हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ओपन ऑफिस कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है ओपन ऑफिस कैल्क की। यहां पर देख सकते हैं करंट डेट और टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ है आपका आगामी डेट, मतलब आने वाला कोई डेट यहां पे दिया गया, लाइक 5/2/2022, और यहां पे दिया हुआ है 16/1/2022। अब यहां पे दोनों जगह टाइम भी लिखा हुआ है, तो टाइम लिखा हुआ है तो यहां पर आवर्स की संख्या कैलकुलेट हो गई है कि इन दोनों टाइम्स के बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस है। अब ये आवर्स आप कैलकुलेट करते रहिएगा। मैं यहां पर आपको वो तरीका बता देता हूं जिसकी मदद से आप ये आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक यहां पर एक डेट टाइप करता हूं मैं, ठीक है, फॉर्मेट आपको यही रखना है डेट का। यहां पर टाइप करता हूं मैं 1/1/2022, ठीक है, यह टाइप कर दिया। और यहां पर टाइम दे देता हूं लाइक 12:50, ये मैंने दे दिया इस तरीके से, ठीक है। यहां पर ये टाइम में थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूं, यहां पे डेट कर देता हूं 16 और बाकी सारा चीज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहां पर आता हूं तो यहां पर भी एक डेट हमें डालनी है, वो डाल देता हूं 17/1/2022, ठीक है। और यहां पे टाइम कर देता हूं 13:50, ठीक है, ये कर दिया हमने। और यहां पर प्रेस कर दिया एंटर। अब यहां पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या करते हैं, इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं और ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देते हैं डेट, देखते हैं क्या होता है। यहां पे एंटर जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहां पे ये 25 आवर्स में आ रहा है। अब ये आवर्स में आ रहा है, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस करते हैं और यहां पर जो ये फॉर्मेट है इसको चेंज करते हैं। फॉर्मेट में हमें क्या करना है वो ध्यान से समझिएगा। आपको एक लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट, यानी स्क्वायर ब्रैकेट को कर देना है ओपन। तो चलिए यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद क्या करना है, जैसे ही आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां पर आपको लिखना है एच, एच यानी आवर्स, ठीक है। फिर यह लगाना है सेमीकोलन, और सेमीकोलन लगाने के बाद आपको लिखना है एमएम, फिर सेमीकोलन लगाना है और फिर लिखना है एसएस। बस हो गया काम, यहां से कर दीजिए ओके, बस आपका डेट हो गया है कैलकुलेट। यानी कि इतने आवर्स इन दोनों डेट्स के बीच में इतने आवर्स का डिफरेंस है। अब देखिए यहां पर एक दिया हुआ है 16/1/2022 और यहां 17/1/2022, तो 25 आवर्स का इसके बीच में डिफरेंस है। इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।